नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये उत्सव गणपति जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। जैसा कि ये जो उत्सव है महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से और बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। गणपति जी हम घर पे लाते हैं, विराजमान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मोदक के भोग लगाते हैं। अब तो महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में गणपति जी को घर पे लाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक जगह लेकर चल रही हूँ जो कि दिल्ली में स्थित है, गाजीपुर DDA फ्लैट्स, जहाँ पे गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये 7वां गणेश उत्सव है जो कि इस बार बन रहा है। तो आप सब रेडी है ना मेरे साथ? तो चलिए यहाँ से चलते हैं और आपको लेके चलते हैं पंडाल में, जहाँ पे गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही है। अब किस तरीके की तैयारियां चलती है चल के पता करते हैं, आइए। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं पंडाल में, जहां पे गणेश उत्सव किया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है श्री गणेश महाउत्सव। तो यहीं पे अभी हम अंदर चलेंगे और जहां पे बप्पा के दर्शन करेंगे। लेकिन बताना चाहूंगी कि इस बार मुझे आमंत्रित किया गया है कलश यात्रा में, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार ये कलश यात्रा कर रही हूँ जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएँ भाग ले रही हैं। तो मंदिर से ही यात्रा स्टार्ट होगी और लगभग 2 से 3 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। अब मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर में, जहां से जो कलश यात्रा है वो प्रारंभ होगी। और अब अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि कितने सुंदर तरीके से इन मटकों को सजाया गया है, जिसमें अभी हम पानी भरेंगे और ये कलश यात्रा इस मंदिर से प्रारंभ होगी। देखिए कितने सुंदर तरीके से जो महिलाएं हैं वो तैयार होके आई हैं और कितने सुंदर लग रही हैं। देखिए कितने यहाँ पे महिलाएं फ़ोटो सेशन भी करा रही हैं और अभी कलश यात्रा की हम मतलब इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो बताया गया है कि कुछ ही देर में यहाँ से हमारी जो कलश यात्रा है वो प्रारंभ होगी और लगभग 2 से 3 किलोमीटर जो गाज़ीपुर का एरिया है उसमें ये कलश यात्रा हम करेंगे और सीधे पंडाल में जाएंगे, जहाँ पे बप्पा जी विराजमान हैं।
सभी पंडाल में आ चुके हैं और सभी महिलाओं ने अपने घड़े यहाँ पर रख दिए हैं। और बताना चाहूंगी दोस्तों कि बप्पा के भी दर्शन अभी कुछ ही देर में आप कर पाएंगे, क्योंकि पहले पूजा की जाएगी, आरती की जाएगी, उसी के बाद हम सभी बप्पा के दर्शन करेंगे। और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे शिव पुराण कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कि आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ के महासचिव जी से, जिनका नाम है श्री सौरभ सक्सेना। उनसे हम जानेंगे इस गणेश उत्सव के बारे में और जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कौन कौन से कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस गणेश उत्सव के बारे में। सेवा शिक्षा ट्रस्ट आपका स्वागत करती है इस विशाल गणेश महोत्सव 2023 में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे विशेष तरीके के हर तरीके के प्रोग्राम होते हैं और हर दिन अलग अलग झांकियाँ, अलग अलग प्रोग्राम हम लोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है अखंड भारत है, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की हमने भारत की विविधताओं को दर्शाया है।
और इस बार एक बहुत बड़ा इवेंट जो हम लोगों ने कराया रामलला का दरबार, और इस बार हम लोगों ने एक भव्य भव्य विशाल यात्रा भी रखी है, भगवा यात्रा। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ें, और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं गाजीपुर। ये इवेंट चल रहा है और युवा सेवा शिक्षा ट्रस्ट आपका तहे दिल से स्वागत करती है। आप आएँ और देखें कि हम लोगों ने किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर किया है। तो मेरे भोलेनाथ देने में बिल्कुल देरी नहीं लगा। देखिए संघ सुख नाम का एक बहुत राक्षस हुआ है, महान भाई का, और वरदान किससे प्राप्त किया? भोलेनाथ। संघ सुख ने भगवान भोलेनाथ की बहुत अपार तपस्या की, और जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो उनसे वर मांगा। मांगो क्या चाहते हैं? प्रभु हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर दो कि मैं संसार पर विजय प्राप्त करूं, मेरा यश चारों दिशाओं में फैल जाए। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस कोई भी मेरा सामने मुकाबला न कर सके। भोलेनाथ ने कहा दरखास्त, अभी नहीं सोच रहे देवता सब आगे, इसमें हम भी आगे। वर प्राप्त करके संघचूर जब वहां से चला तो तुलसी तपस्या कर रही है, तुलसी तपस्या कर रही है। आगे देखा तुलसी के पास खड़े होकर के उसके स्वरूप को देखा, बहुत सुंदर है तुलसी। देख करके संघचूर ने कहा, हे बालक